नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर कुशल जैन है। मैं दिल्ली में मनोचिकित्सक के साइकेट्रिस्ट के रूप में प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे एंजाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। एंजाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी होना बहुत आम समस्या है। हर 3 में से 1 व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी एंजाइटी डिसऑर्डर होना कॉमन है। आम घबराहट और बेचैनी या डर लगना और एंजाइटी डिसऑर्डर या घबराहट की बीमारी में अंतर होता है। आम घबराहट किसी कारणवश होती है, किसी न किसी ट्रिगर से आती है, जैसे परीक्षा के पहले होने वाली एंजाइटी बहुत आम परेशानी है, पर वो बीमारी नहीं है। पर जब हम घबराहट की बीमारी या एंजाइटी डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये घबराहट अपने आप से होने वाली परेशानी होती है, इसीलिए इसको एंजाइटी डिसऑर्डर कहा जाता है। एंजाइटी डिसऑर्डर समझने के लिए हमें ये समझना जरूरी है कि घबराहट, बेचैनी, डर लगना हमारे ब्रेन में कुछ रसायनों, केमिकल जैसे सीरोटोनिन के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। जब ये केमिकल किसी कारणवश कम हो जाते हैं तो ये इसका प्रभाव ये होता है कि लोग अपने आप से घबराहट, बेचैनी महसूस करने लगते हैं, जिसे हम फिर एंजाइटी डिसऑर्डर कहते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर के में बेवजह घबराहट, बेचैनी, डर लगना, जैसे बंद कमरों में डर लगना, भीड़ में डर लगना, गंदगी को देख के डर लगना, या कई बार बिना सोचे समझे अपने आप बैठे बैठे घबराहट होना, ये सारा का सारा एंजाइटी डिसऑर्डर के अंदर आता है और इससे काफी लोग परेशान रहते हैं और इलाज नहीं करा पाते। आमतौर पे घबराहट की बीमारी एंजाइटी डिसऑर्डर के लक्षण होते हैं दिल की धड़कन बढ़ना, पसीने छूटना, हाथ पैर में कंपन होना, कांपना, सर दर्द होना, सांस फूलना, पेट खराब होना, इस तरह की चीजें, पैनिक अटैक्स आना, ये एंजाइटी डिसऑर्डर के आम लक्षण हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर किसी भी उम्र में किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई 15 साल का बच्चा है या 70 साल का व्यक्ति है तो उनको नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा है या बहुत बड़े है, ये किसी भी एज उम्र में हो सकता है। एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज बहुत ही आसान है और सेफ है। दवाइयों के द्वारा, जैसे मैंने कहा था, सीरोटोनिन लेवल को का जो केमिकल है उसका लेवल बढ़ाया जाता है। जैसे ही वो केमिकल की मात्रा ब्रेन में बढ़ जाती है, इससे ये एंजाइटी अपने आप रुक जाती है, कंट्रोल में आ जाती है। इसके सेकंड स्टेप में काउंसलिंग और एक्सरसाइज के द्वारा या योगा के द्वारा हम ये देखते हैं कि एंजाइटी को लंबे तौर पर काबू में किया जा सकता है। तो स्टेप 1 दवाइयाँ देख के ये एंजाइटी इमीडिएटली कंट्रोल हो जाती है और स्टेप 2 में काउंसलिंग, एक्सरसाइज, योगा करने से ये दवाइयाँ धीरे धीरे करके हट जाती है और आप एंजाइटी पे लंबे तौर पे कंट्रोल कर सकते हैं। सीरोटोनिन केमिकल बढ़ाने वाली दवाइयाँ बिल्कुल सेफ दवाइयाँ है, उससे नींद नहीं आती है, उससे नशा नहीं होता है, उससे एडिक्शन नहीं होता है, क्योंकि वो दवाइयाँ आपके ब्रेन में पीछे जाकर उस केमिकल को बढ़ाती है, वो नींद नहीं लाती है। उसका इलाज, उसका असर आने में थोड़ा समय लगता है। नींद की दवा जैसी इमीडिएटली फायदा नहीं करती है, लेकिन इस चीज़ को समझना है कि अगर हमको एंजाइटी डिसऑर्डर का इलाज करना है तो हमें स्पेसिफिकली उन दवाओं पर काम करना है जिसमें नींद ना हो और वो सीरोटोनिन को इम्प्रूव करें। कई तरह की बात में लोग ये कहते हैं कि टेंशन मत ले, एंजाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। ये कहने से हम उन पर व्यक्तियों को जिनको एंजाइटी डिसऑर्डर है उनको इलाज से दूर करते हैं। आप उनकी परेशानी नहीं समझ पा रहे हो तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका इलाज नहीं है। इलाज संभव है, इलाज सेफ है, इलाज का कोई एडिक्शन नहीं होता है। अगर कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे जरूर लिखे। धन्यवाद। सो डियर पेशेंट्स, कीप काम एंड स्माइल ऑन। थैंक यू।